हाय, आज पब्लिक डीएसएलआर लेने से पहले उसका 4 बार फुल फॉर्म गूगल करती है। कहीं पप्पा ने पूछ लिया डीएसएलआर का फुल फॉर्म तो? चलो ठीक है, ले दे के डीएसएलआर ले भी लिया। तब चालू होता है अत्याचार। कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, हर एक प्राणी पे अत्याचार। हर एक एंगल से फोटो लिया जाता है उनका। ऐसे लोगों के सामने अगर जिलेबी आ गई ना, चलो जिलेबी नहीं खाते, पहले उसके 6 एंगल से फोटो ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे अरे यार बड़ी मीठी है, खाई नहीं जा रही है। आजकल सभी लोगों को इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी है। अबे पहले जाके 80-89 का फर्क तो सीख लो। आजकल आईफोन के वर्जन आते हैं ना, तो लोगों में क्रेज ऐसी हुई है कि नई आईफोन के 6-7 वर्जन नहीं आ रहे हैं, ये सब उनके घर में छोटे छोटे उनके भाई आ रहे हैं। आजकल लोगों के फेवरेट सिंगर हैं एमिनेम, शकीरा, और उनके अगर गाने के बोल पूछ दो तो नहीं हमें वो नहीं आता, लेकिन हमारे फेवरेट हैं, अच्छा लगता है इनको सुन के। तो यार क्यों है फेवरेट, क्यों है आपके? DDLJ में ही देख लो, स्विट्जरलैंड में शूट चालू है एक प्लेटफॉर्म पे, और शाहरुख बोलता है अगर ये लड़की मुझसे प्यार करती है तो जरूर पलट लेगी, पलट पलट पलट। और इतने में काजोल पलटती है और उसे प्यार हो जाता है। अब मैं सोच रहा था मेरा कोई दोस्त ऐसा सोच ले और नाला सुपारा स्टेशन पे सुबह सुबह किसी लड़की के लिए ऐसा सोच ले, वो भला लड़की पलटेगी ना? पलटना चाहे भी तो वहां की भीड़ देखी है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, अगर कहीं गलती से किसी लड़की को हम लोग ताड़ रहे होते हैं और वो पलट के हमें देख लेना, माय गॉड फट जाती है हमारी। भाई देख रही है भाग यहां से, भाग, देख रही है। आपके कई दोस्तों को आपने नोटिस किया होगा, एक दो साल तक जब बंदियां नहीं पटा पाते ना, साले फिलोसोफर बन जाते हैं। ऐसे बोलते हैं, यार तुझे पता है मुझे इस लड़की ने ये सिखाया, आंखें खोल दी भाई उसने मेरी, अबे साले बोलना कि नहीं सेट कर पाया लड़की को, तो फिलोसोफर बना फिर रहा है। सही है, आजकल मीडिया वालों को ही देख लो, अगर कहीं बम फूट गया गलती से और उसमें से गलती से एक इंसान बच गया, वो अभी सोच रहा होता है मैं बच गया, वो सदमे में रहता है और सोच रहा होता है मैं बच गया। ऐसे में मीडिया वाले आके उसके मुंह पे माइक घुसेड़ देंगे और पूछेंगे बम अचानक से फूटा या कैसे फूटा, बताइए हमें, बताइए हमें। अब वो सोच रहा होता है अरे इसको मैं आंसर क्या दूं, सोचते सोचते बोलता है नहीं नहीं बम अचानक से नहीं फूटा, पहले बम लुढ़कते लुढ़कते हमारे पास आए, फिर आके बोले अजी सुनते हो हम बम है, आप कहो तो फट ले, तो अब हमने भी कह दिया अब आ ही गए हो तो फट लो, फिर वो घूमे और थोड़ा शर्माए और बोले फूचुक फूचुक और फट लिए। हमारे त्योहारों में जैसे कि होली में, बुरा ना मानो होली कह के लोग रंग डाल देते हैं, ऐसे में मैं सोच रहा था यार ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दिवाली में लोगों के ऊपर बॉम्ब डाल देंगे और बोलेंगे बुरा ना मानो दिवाली है दिवाली है।